क्या बना रही है सहरी के लिए? आज हम बना रहे हैं सहरी के लिए चिकन, और उसमें चीज, सॉरी, चीज पराठा। चिकन भी डालेंगे, चीज भी डालेंगे, पराठे बनाएंगे। आप देखिए कैसे बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम एक रोटी हमने बेला है, उसमें हम चीज डालेंगे, सॉरी चिकन डालेंगे। इसमें चीज भी मिक्स है, डालें अच्छे से डालेंगे। और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और चीज़ थोड़ी सी और लेंगे, क्योंकि चीज़ हमारी चुनमुन को बहुत पसंद है। इसमें डाल चुके हैं चीज़, लेकिन थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे। इसमें चीज़ डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं, हल्का सा कुटी हुई मिर्च डाल दिए। फिर उसके बाद हम इसमें एक रोटी और इसमें से मिक्स करेंगे, दबाएंगे अच्छे से। रोटी देखिए तैयार है, अब इसमें हम डाल रहे हैं। इतना मजे का लगता है कि अगर आप ये अपने बच्चों को ऐसे भी सुबह के रमजान के बाद नाश्ते में भी देंगे तो आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। हम अपने बच्चों को ऐसे बदल बदल कर कहीं कीमा का, कहीं चीज का, कहीं चिकन का, कुछ भी मैं उन लोगों को बना के ये सब देती रहती, तो बड़े शौक से खाते हैं। अब मैं एक पराठा बन गया है चुनमुन के लिए, मैं अपने लिए बनाऊंगी लच्छा पराठा। ये हमारे घर की जमी हुई दही है जो हमने अपने हाथों से जमाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा जमा। तो मैं एक कटोरी भर के अब दही खाऊंगी। ये हमारी बन रही है चाय, चाय बन रही है। ये हमने आज व्हाइट चिकन बनाया था सहरी के लिए, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। जिसको खाना हो तो कोई बच्चा खा सकता है, लेकिन हम और चुनमुन तो है ये दही और ये इसका चीज पराठा चिकन बन गया है। अब ये मैं पराठे को अच्छे से, आप तेल में तलिए, घी में तलिए, लेकिन मैं इस पराठे को तेल में ही तल रही हूँ। तेल से ज्यादा जायका आएगा। और घी से मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही और चीज पूरा, वाह ये देखो, ये बहुत मजे का लगता है ये पराठा। तो यहाँ पे जो है मेरा चीज वाला पराठा बन रहा है और यहाँ पे मामा जो है अपने लिए लच्छा पराठा बना रही हैं। और हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। मैं ये वाला खाऊंगी उसके साथ, दही के साथ, या तो फिर चिकन के साथ। दही भी खाना, दही भी अच्छा, घर का जमा हुआ दही है खाना। अब इसको मैं कटर से काटूंगी। ये देखिए, अब इस पराठे को हम ऐसे कटर से काट लेंगे। क्या मजे का पराठा है। ये हो गया ये पराठा रेडी। अब इसके साथ मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठे, सिंपल पराठा लच्छा। ये हमारा लच्छा पराठा, दिखाओ तो लच्छा पराठा में, ये मेरा लच्छा पराठा है। सही हो गई है और बस अब चाय लेंगे और ब्रश व्रश करेंगे। उसके बाद माशाल्लाह से आज सब सहरी अच्छे से सबका हो गया है और बाकी बच्चे लोग का हो गया। सब गए ब्रश करने के लिए और हमारा चुनमुन का भी बाकी, मैं चाय पी रही हूँ। इसमें जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है वो डाल दिए हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से ताकि हो जाए। और मम्मी ने जो है बोला है कि इसको थोड़ा सा गाढ़ा रहने देना, तो अभी इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मॉम किचन। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो आज जो है वो है फिफ्थ रोज़ा, मतलब पांचवा रोज़ा रमज़ान का रोज़ा है। तो आज जो है हम सब ने रोज़ा रखा हुआ है और अभी जो है मामा तैयारी करने वाली हैं। तो पहले भी नमाज़ पढ़ने गई हैं, उसके बाद आधी चीज़ें उन्होंने कर ली है। तो किचन में अभी देखते हैं क्या क्या बन चुका है। अभी वैसे कुछ बना नहीं है, बस तैयारी हो गई है कि पीस इसके रख दिया कि ये तलना है वो तलना है। तो जो है मामा ने अभी पुअर का मुझे दिया था तो बैटर, तो वो तो मैंने पूरा ऐसे उसको कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये, और मुझे पूरे अफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा अच्छा पुआ और चना लगता है। चना के साथ खीरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो है मामा नमाज़ पढ़ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ।
कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। मामा अभी आप क्या बना रही हैं? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सभी को पांचवा रोजा सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बना रही हूँ चुनमुन के लिए चीज चिकन ब्रेड रोल। हाँ, चीज है, चिकन है इसके अंदर और ये ब्रेड है, ब्रेड रोल है चुनमुन के लिए खास तौर से बना रही हूँ। और ये हम बना रहे हैं गुलगुले, गुलगुले बनाएंगे। चना हमारा बन चुका है, थोड़ा सा मैं भजिया तलूंगी और रात के डिनर में बन रहा है मटन बनेगा, थोड़ा से बच्चों के लिए पुलाव बनाऊंगी और थोड़ा से बनाएंगे तंदूरी रोटी। और क्योंकि ये चुनमुन ने आटा फेटा था तो थोड़ा पतला हो गया, तो मैं ऐसे गुलगुला बनाती। अब पतला हो गया तो इसको कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ हम मिलाएं तो इसके गुड़ का जायका खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको पुआ टाइप का कर देंगे। यहाँ पे जो है मैं भजिया तल रही हूँ और अभी मैंने कुछ पुए तले हैं और अब तक मामा जो है बर्तन धो रही हैं। अभी और क्या बना रही हैं आप? अब वही फ्रूट चाट जा रहे बनाने के लिए हम। और अभी ब्रेड रोल जो रखा हुआ है वो भी तलेंगे, चिकन ब्रेड रोल। तो भजिया बस रेडी हो गया है, अब बस चिकन रोल तलेंगे। मटन की तो खुशबू आ रही है मेरे को बहुत ज्यादा, मटन और पुलाव खाऊंगी। मटन और पुलाव बनाएंगे और हम सोच रहे हैं कि आज जाके पापा के साथ जो पराठा नहीं मिलता है, पराठा वाली गली से पराठा खरीद के लेके आए, वहाँ का पराठा बहुत अच्छा लगता है इसके मटन के साथ खाने में, तो वो ले आएंगे। तो इसमें से सूखा हुआ मटन थोड़ा निकाल लेंगे, तो वो शहरी में अपन लोग मटन पराठा कर लेंगे और थोड़ा सा चिकन पराठा बना देंगे, चीज डाल के तंदूर के लिए। आज आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ पराठा। चुनमुन के पसंद का बनाया है, उसको खाना था, ये उनका पुआ खाना था चुनमुन को, ये चीज चिकन ब्रेड रोल खाना था इसको, और ये हमारी फ्रेंड नसीम के यहाँ से बिरयानी आई है, इसका जायका हम रोज़ा के बाद बताएंगे। नसीम तुम्हें कि बिरयानी देखने में तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, इसे अभी ढक के रख दो तो ठंडा गर्म रहेगा। और बाकी ये रोज़ा चुनमुन। सो फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग यहाँ पे बैठ गए इफ्तारी खोलने के लिए सब लोग, और यहाँ पे जो हम लोग चना निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद मामा जो है यहाँ पे दुआ मांग रही हैं। आज रोज़ा मेरा खुल गया, लेकिन आज मुझे बहुत रोज़ा लगा, मैंने 5 गिलास रोज़ा पी हूँ और उसके बाद ये मैं चाय पी रही हूँ थकान दूर करने के लिए। अब लग रहा मैं कुछ नहीं, हालांकि आज हमारी कोई बाई नहीं आई है, वो सब कल भी छुट्टी ली, आज भी ले ली हूँ। गैस भी मुझे भी साफ़ करना, रोटी भी मुझे बनाना, तो मैं सोच रही आज आलिया रोटी बना देगी और गैस इसमें साफ़ कर दूँगी। चाय पी के थोड़े 5-10 मिनट तो मैं पलंग से उतरने वाली हूँ, पहले तो मैं बैठूँगी, ठीक है ना चुनमुन? और चुनमुन तुमको कैसा रोज़ा लगा आज? हमारी चुनमुन को कैसा रोज़ा लगा बेटा? रोज़ा नहीं लगा। रोज़ा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? ये नमाज़ पढ़ती हैं, लुढ़क जाती हैं, तो इनको कोई काम ही नहीं है, दिन भर लुड़को बाबा इनका नाम ही रख दिए हैं, जितने दिन ही रोज़ा इनका चलेगा इनको लुड़को बाबा ही बोलेंगे। और गुनगुन भी है तो कॉलेज से आती हैं, उनको भी कोई काम से मतलब नहीं। वो आज जो है मेरी मम्मा भी आने वाली हैं, क्योंकि वो लेके जाएंगे मुझे सुनार के पास कान की बाली पहनाने के लिए। इनकी मम्मा ने इनको बर्थडे में बाली दिया था, तो इनकी मम्मा को पसंद नहीं आया कि मेरी लाडो का बाली बड़ा होना चाहिए थोड़ा से, इस कान से एकदम चिपक के था, तो इनकी मम्मा चेंज करा के बड़ी बाली ले ली, तो सुनार के पास छोड़ के आई हैं कि मैं अपनी लाडो को वहीं बुला के बाली पहनाऊँ। उनको बहुत टेंशन था कि मेरी लाडो का कान ना बंद हो जाए, बंद हो रहा है, तो वो अभी 8 बजे आएंगी सुनार के पास, सामने हमारे घर के सामने सुनार है, तो वहाँ लेके इनकी मम्मा जाएंगी तो इनको बाली पहनाएंगी। मम्मा इनकी तो बहुत चाहती भाई। मम्मा आपको चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी लगी, अब दिन भर चेहरा कैसा उतरा हुआ रहता है, लेकिन रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के मैं सबसे पहले लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि दिन भर तो मुँह उतरा उतरा रहता है, तो मैं सबसे पहले नमाज पढ़ी उसके बाद फटाक से मैं चाय लिपस्टिक लगाई चाय, तो मेरे हस्बैंड बोलते ये तो कभी नहीं भूलेगा करके, वो तो जरूरी है मुझे, हो ना हो चूड़ी लिपस्टिक होना चाहिए, बाकी मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, मेरे चेहरे में कोई भी मेकअप नहीं रहता, बस एक धूप पे सन लोशन लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, अब मेकअप मुझसे बनता भी नहीं।
गाइस आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सैरी या फिर रफ्तारी में। तो दिन के लिए बाय।